السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مؤسس حاضرين इंसान की आदत है कि अपनी किसी बात की ताक़ीद के लिए किसी बात को मनवाने की खातिर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है कसम से मुतालिक शरीयत हमें ये तालीम देती है कि कसम सिर्फ़ अल्लाह की ली जा सकती है अल्लाह के अलावा किसी और की चाहे जो हो कसम लेना कसम खाना जायज नहीं है बुखारी मुस्लिम की रिवायत है नबी करीम सलासलाम ने फरमाया मन खाना इल्ला बिल्लाह। तुम तो में से जिस किसी को कसम खानी हो तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए कोई और कसम न खाए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम न ले एक मरतबा मुखर मुस्लिम की रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सलाम ने एक काफ़िले में देखा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु अपने बाप की कसम खा रहे हैं अपने बाप की कसम ले रहे हैं तो नबी करीम सलातम ने कहा अलाकुमन तहलिफु बम कि सुनो अल्लाह तुम्हें इस बात से रोकता है कि तुम अपने बाप की कसम लो अपने बाप के नाम की कसम खाओ मनकानसमत अगर तुम में से किसी को कसम लेनी हो तो सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम ले वरना खामोश रहे कसम न ले तो मजाजरी कसम खाना एक इबादत है और ये इबादत अल्लाह के साथ खास है और कसम खाना जैसा आपको भी पता होगा कोई अच्छी बात नहीं है कसम वहां ली जाती है जहां पे आपके बात की आपके बात की ताकिद के लिए आपके बात को वजन देने के लिए कसम की जरूरत पड़े वरना कसमें नहीं ली जाती कसमें नहीं खाई जाती तो कसम खानी हो तो सिर्फ अल्लाह की कसम खानी चाहिए अल्लाह के नामों की कसम लेनी चाहिए किसी और की कसम जायज नहीं है हाँ अल्लाह ताली जिसकी कसम ले ये उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है अल्लाह ने कभी सूरज की कसम ली कभी चांद की कसम ली कभी सुबह के वक्त की कसम ली कभी फजर के वक्त की कभी असर के वक्त की कभी ज़माने की कभी आ, आ, अंजीर की कभी जैतून की ये अल्लाह की अपनी मर्ज़ी की बात है वो जिसकी चाहे कसम ले सकता है लेकिन बंदा जब कसम खाता है तो आम तौर पर बंदे की कसम में जिसकी वो कसम लेता है उसकी एक ताजीम पाई जाती है वो अपने दिल में उसको एक मकाम देता है एक इज्जत देता है तभी वो उसकी कसम खाता है आमतौर पर मजसादरीन अब्दुल्लाबन रजी अल्लाह की रिवायत है अबू उदाउद रिवायत करते हुए कहते हैं कि नबी करीम ने फरमाया फराशरक जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम ली उसने कुफ्र किया या उसने शिरक किया अल्लाह के अलावा किसी की भी कोई बंदा कसम ले अपने बाप की कसम खाए अपनी माँ की कसम खाए माँ के हक़ की कसम खाए अल्लाह के नबी की कसम खाए काबे की कसम ले अपने वली की कसम ले अपने बच्चों के सर की कसम ले हुकूक की कसम ले चाहे जो कसम ले ले अल्लाह के अलावा जिस किसी की कसम खाई जाए कसम में जिस किसी का नाम लिया जाए सब का सब कुफर और शर्क है और हाजरीन, वो शर्क इसलिए है कि आम तौर पर बंदा जब किसी चीज़ की कसम लेता है कसम खाता है तो उसकी तज़ीम उसके दिल में होती है जैसे वतन की कसम माँ की कसम बाप की कसम काबे की कसम के एहतराम उसके दिल में पाया जाता है कि एहतराम उसके दिल में मौजूद है और अगर कोई माँ बाप की कसम या अल्लाह के अलावा किसी और की कसम ले उसके दिल में तज़ीम मकसूद ना हो उसकी नीयत में तज़ीम मकसूद ना हो तो ये शिरके है ये छोटा शिरक़ है जो शिरक़ अकबर का सबब बन सकता है और अगर इसके मुकाबले बंदा किसी ऐसे की कसम खाए अल्लाह के अलावा जिसकी तज़ीम वो करता हो जैसा आजकल के जाहिलों को देखा गया कि अपने औलिया की कसम या जिसके हाथ पे बैत किए उस पीर मुरशद की कसम पूरी तज़ीम के साथ वो लेते हैं और ताज़ीम भी इस हद तक तजीम नौजबिल्ला जो अल्लाह के हक़ से आगे बढ़ के तजीम है यानी उनकी हालत ये होती है कि हो सकता है वो अल्लाह के नाम पर झूठी कसम ले लें लेकिन अपने वली के नाम पर अपने पीर के नाम पर कभी झूठी कसम नहीं लेंगे इस हद तक उनकी हालत गिरी हुई है ईमान की और अगर कोई आदमी ऐसी कसम जिसमें ताजीम भी उसकी नीयत में हो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए, तो ये कसम उसे इस्लाम से बाहर निकाल देती है इस कसम के जरिए वो मुसलमान बाकी नहीं रहता ये शिर के है तो मजा हाजरीन कस्मों के ताल्लुक से इंसान बड़ी एहतियात करे सबसे पहले तो कस्बे ना खाए कस्बे ना ले अगर कसम लेना ही हो तो सिर्फ़ अल्लाह की कसम ले अल्लाह के अलावा किसी और की कसम न ले हाँ कुरान की कसम से मुतालिक कुरान की कसम ली जा सकती है कोई हरस की बात नहीं है क्यों क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है और ये अल्लाह ही का एक हिस्सा है अल्लाह का कलाम अल्लाह की ज़ात से मुतल है तो इस लिहाज से कर्न मजीद की कसम में कोई हरज की बात नहीं लेकिन एक गलती की असलाह कर ले आम तौर पर कुरान मजीद को ला करके उस पर हाथ रख के जो कसम ली जाती है ये तरीका दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये जो वर्क है ये मखलूक है इसकी कसम नहीं ली जा सकती लेकिन उसमें जो लिखा गया कलाम है वो अल्लाह का कलाम है उस लिखे हुए कलाम की कसम ज़बानी तौर पर कोई बंदा ले तो कोई हरज की बात नहीं है कुरने पाक की कसम जबानी तौर पर ले ले कोई हरस की बात नहीं है लेकिन उस मुसफ पे हाथ रख के कसम खाना यह गैर इस्लामी तरीका है ये गैर इस्लामी तरीका है जबान से कसम खा ले कि अल्लाह के कलाम की कुरान मजीद की कसम यह बहुत काफी है तो कसम सिर्फ़ अल्लाह के साथ खास है अल्लाह के असमा सिफ़ात के साथ खास है अल्लाह के इज्जत की कसम अल्लाह के रहमत के गसम, के के गसम, की कसम अल्लाह के किबरियाई की कसम अल्लाह की जात की कसम इन तमाम में कोई हरस की बात नहीं अल्लाह के अलावा हट करके काबे की कसम काबे के गिलाफ़ की कसम नबी की कसम वली की कसम माँ की कसम बाप की कसम हकूक की कसम चाहे जिस कस्म के बंदाज इस्तेमाल कर ले ये तमाम के तमाम शिरक्र हैं या तो शुर असगर है या तो शिरकबर होगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिरक से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारी ज़बानों की हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि